हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जो डेलेट की परीक्षा आयोजित हो आयोजित नहीं हुई है उनकी जो प्रवेश तिथि जारी हुई है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा है न साथ में आपको ये बताऊँगा कि मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है वो कितने सीटों के लिए जारी हुई है कब तक आपको प्रवेश दिया जाएगा और और क्या क्या जानकारियाँ हैं उनको मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा ठीक है तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जानकारी पूरी पूरी हो जाए फिर आप मेरे को कमेंट करते हैं कि सर इसका क्या होगा उसका क्या होगा तो इसलिए आप पूरे अंत तक ज़रूर बने रहेंगे तो चलो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जारी की गई पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा है ना आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है फ्रेंड्स वो कब जारी की गई है देख लीजिए आप लोग ये जो जारी की गई है वो आज के डेट में ही जारी की गई इक्कीस सात दो हज़ार बाईस के डेट में है ना अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बिंदु हैं तो फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं जो डीएलएड एल एड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि है उसको देख लेते हैं जैसे प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन आज तो हो गया ये इक्कीस जुलाई को है ना आपके पास दावा आपत्ति करने का जो समय है प्रावीण्यता सूची जो जारी की है की गई है उस पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे करके तो आपको ये इस पर दावा आपत्ति करना होगा ठीक है पच्चीस जुलाई तक इसमें संभावित है ठीक है संभावित लिखा हुआ है फिर क्या लिखा गया है इसमें दावापत्ती का निराकरण किया जाएगा निराकरण के पश्चात क्या किया जाएगा एक नई लिस्ट जारी की जाएगी वो कब तक की जाएगी उनतीस जुलाई तक ये भी संभावित है फ्रेंड्स है ना उसके बाद आपके लिए एक बिंदु है कि अध्ययन केंद्र आवंटन सूची आपका जैसे चयन हो जाता है तो आपको एक अध्ययन केंद्र आवंटित की जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा तो उसकी आवंटन जो सूची जारी की जाएगी वो कब तक की जाएगी वो 10 अगस्त तक की जाएगी ये भी संभावित है फ्रेंड्स यहाँ पे उल्लेखित है आप स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हैं ठीक फिर क्या होगा इसमें आपको अध्ययन केंद्र आवंटन सूची जारी की जाएगी उसके बाद आपका प्रवेश प्रारंभ होगा कब होगा सोलह अगस्त से पाँच सितंबर दो तक इसमें क्या है जो शासकीय अवकाश है उस दिवस को छोड़ दिया गया है मतलब आपके पास ये है कि पंद्रह अगस्त के बाद से जस्ट जा, सोलह अगस्त से आपका जो है प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा वो कब तक चलेगा पाँच सितंबर तक चलेगा ठीक है अब क्या होगा अगर रिक्त सीट क्या होती है रिक्त रहती है है ना सीट कहीं रिक्त रहती है सीट कहीं रिक्त रहेगी यहाँ पे उस बिंदु को लिखित किया गया है सीट रिक्त रहने की स्थिति में क्या किया जाएगा द्वितीय सूची का प्रकाशन किया जाएगा कब किया जाएगा 9 सितंबर ये संभावित तिथि है ना? है ना केवल अभी जो प्रावीणता सूची का प्रकाशन हुआ है वो आज हुआ है इक्कीस जुलाई को ठीक बाकी जो तिथियां हैं वो क्या है संभावित है तो अब मान के चलिए एक दो दिन आगे भी हो सकती है ये तिथि जो है या फिर एक दो दिन पहले भी हो सकती है इसकी जो प्रक्रिया जो है ठीक है अब इसमें लिखा गया है द्वितीय सूची का प्रवेश क्या लिखा गया है बारह सितंबर से क्या होगा आरंभ होगा करके बताया जा रहा है है ना पहले द्वितीय सूची का प्रकाशन किया जाएगा कि कौन कौन पात्र हो रहे हैं द्वितीय सूची में फिर उनको प्रवेश के लिए क्या है एक तिथि निर्धारित कही की गई है कि बारह सितंबर तक आपको क्या करना है प्र... आपके लिए प्रवेश जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बिंदु है इसमें देख लो ये महत्वपूर्ण निर्देश है काउंसलिंग की प्रक्रिया में काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु तो अभ्यर्थियों को समस्त वांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की मूल तथा छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा ठीक है समस्त दस्तावेज आपके पास जो भी दस्तावेज हैं है ना जो विश्वविद्यालय को चाहिए उनकी आपको क्या रखनी होगी मूल प्रति भी रखनी होगी और छाया प्रति भी ये अनिवार्य है ना आवश्यक नहीं है अनिवार्य है मतलब आपको लेके जाना ही होगा समझ में आ रहा फिर क्या हो गया काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा तद तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हों है. है ना ये कोई मुख्य बिंदु नहीं है आप देख लेंगे प्रवेश से संबंधित नियम निर्देश ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को, को ध्यान से पढ़ें तथा साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट ये है ये परिवर्तन संभव करके लिखा हुआ है ना तिथि में परिवर्तन हो सकता है संभावित तिथि में है ना यहाँ पे उसी बात को उल्लेखित किया गया संभावित तिथियों में क्या है परिवर्तन संभव है ठीक है इसलिए आप सतत क्या सतत रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें ये बात बताई गई है अगला बिंदु है फ्रेंड्स देख लेते हैं इस बात को मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ है ना? जो प्रवीणता सूची जारी की जाएगी है ना वो किस हिसाब पर की जाएगी बारहवीं के परसेंट के हिसाब से और जहाँ तक मैं अभी सूची देखा हूँ तो जो टॉप में है उनका कितना परसेंट है नाइन्टी सिक्स परसेंट है आप समझ सकते हैं कि कौन कौन डीएड करने के लिए अप्लाई किए हुए हैं है ना मतलब नाइन्टी सिक्स जिनका परसेंट है वो भी अप्लाई किए हुए हैं डी करने के लिए समझ में आ रहा और क्या है अगर उनका अंक समान होता है तो उनको दसवीं के अंक के हिसाब से फिर प्राथमिकता सूची में स्थान दिया जाएगा और दसवीं में भी अगर उनका अंक समान है तो उनका जो शिक्षण अनुभव अधिक रहेगा जिनका भी शिक्षण अनुभव अधिक रहेगा उनको क्या दी जाएगी प्राथमिकता दी जाएगी ये बात को लिखित किया गया यहाँ पर समझ में आ गया कोई भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा एक दो बार पॉज करके भी देख सकते हैं है ना अगला देख लेते हैं और क्या मुख्य बिंदु है आप लोगों के लिए देखो ये सामान्य जानकारी है है ना आपको एक हज़ार का फीस लगेगा एक हज़ार शुल्क लगेगा ऑनलाइन भरे जाएंगे ठीक है काउंसलिंग जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे ऑनलाइन ही स्वीकार होगा ना आपको ऑफलाइन कहीं पे भी पैसा पटाने की आवश्यकता नहीं है समझ में आ रहा है अब इसमें पात्रता की बात की गई देख लेते हैं पात्रता वही है फ्रेंड्स कि आपका क्या होना चाहिए कम से कम आपके पास पचास प्रतिशत अंक होने चाहिए ठीक है किसमें उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में मतलब हायर सेकेंडरी बारहवीं में आपका कितना परसेंट होना चाहिए कम से कम पचास प्रतिशत होना चाहिए ये किनके लिए है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है ना ये नियम जो है जनरल कैटेगरी वालों के ऊपर ये लागू होगी इसमें क्या है अनुसूचित जनजाति और जाति वालों अन्य पिछड़े वर्ग विकलांग की स्थिति में कम से कम पैंतालीस प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे कह रहे हैं है ना मतलब ये है कि जो एस सी और ओ के हैं एस के हैं एस के हैं ओ के हैं और जो पी वाले हैं है ना फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं उनको कितना परसेंट की आवश्यकता है उनको पैंतालीस प्रतिशत की आवश्यकता है बारहवीं में ना अब ये तो हो गई अंक से रिलेटेड बात परसेंट से रिलेटेड बात अब और क्या बात है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो ये मुख्य बिंदु है ना फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा शासन से मान्यता प्राप्त शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो इसमें एक और उल्लिखित है अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि का को अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को जो है वो अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा है ना जिस दिन आपको प्रवेश दिया जाएगा है ना जिस दिन आपको प्रवेश लेना है उस तिथि तक आपका जो अध्यापन का जो अनुभव है दो वर्ष का वो पूर्ण होना चाहिए ये बात अनिवार्य है ना आवश्यक नहीं अनिवार्य है और एक बिंदु है महत्वपूर्ण तो बिंदु फ्रेंड्स अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में ठीक है वो पूर्ण तो होना चाहिए अनुभव लेकिन आप उस स्कूल में आप पढ़ाते रहें आपका अध्यापन कार्य चलता रहे ये भी ज़रूरी बात है ना अनिवार्य बात है ये भी ध्यान रखना आपके पास दो वर्ष का अनुभव तो हो साथ में आप वर्तमान में उस स्कूल में पढ़ाते रहें ये बात भी ज़रूरी है समझ में आ रहा इसके साथ क्या है दो वर्ष से कम का अनुभव होने वाले पर ठीक है दो वर्ष से, से कम अनुभव होने पर क्या आप प्रवेश से वंचित हो जाएंगे और आपका जो शुल्क वो है वापस नहीं किया जाएगा स्पष्ट उल्लेखित है फ्रेंड्स ध्यान रखेगा एक बात और लिखी गई है इसमें यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय एवं कार्यक्रम में प्रवेश पश्चात अध्ययनरत रहते समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।, है ना? क्या होगा जैसे आपको प्रवेश मिल जाती है डी के लिए आप जैसे प्रवेश कर लेते हैं तो आपको जहाँ से अनुभव प्राप्त हुआ है उस विद्यालय में आपको पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में आपको कार्यरत रहना ही होगा तभी आपका प्रवेश जो है वो है उचित माना जाएगा नहीं तो आपको अनुचित करके डिस्कवालीफाई कर दिया जाएगा समझ में आ रहा है तो आप लोग अपना अनुभव देख के बनवाइएगा है ना जहाँ से भी आप पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ आप सतत रूप से पढ़ाते रहें तभी आपका अध्ययन हो पाएगा है ना और जो है इसमें आरक्षण की बात की गई है इस बिंदु को आप लोग रीड कर लिएगा वीडियो को पॉज करके ठीक इस बात नहीं, इस पर मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ इसमें क्या बात की गई है जो मुख्य बात है मैं उसको बता देता हूँ ठीक ये है मुख्य बात इस बिंदु पे आप लोगों को सबको ध्यान डालना चाहिए डीएलएड की जो प्रवेश सूची जारी लिस्ट जारी की गई उसमें कितने सीटों के लिए आपको प्रवेश दिया जाएगा 2400 सीटों के लिए है ना 2400 सीट रिक्त है डी के लिए और इससे अधिक जैसे अभ्यर्थी हैं तो उनको अनुपात उन में हो सकेगा तो बुलाया जाएगा है ना और केवल 2400 सीट के लिए आपको प्रवेश मिल पाएगी समझ में आ रहा है इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा है ना और एक बात और लिखी गई प्रावीण्य सूची की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी अतः अभ्यर्थी लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें ठीक है फ्रेंड्स और इसमें कुछ बिंदु है उसको देख लें तो ये तो अध्ययन केंद्र का नाम है जब आपको अध्ययन केंद्र आवंटित होगा तो इन्हीं अध्ययन केंद्रों में जाके आपको डी का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करना होगा समझ में आ रहा ये ये यहाँ पर भी उसी बात को लिखा गया है फ्रेंड्स है ना चौबीस सौ सीटों के लिए आपको प्रवेश दिया जाएगा इसमें क्या है फिश के लिए आप लोग बता देता हूँ आप लोगों को ये देखो प्रथम वर्ष का जो आपको जैसे प्रवेश हो जाती है आप लोगों को तो प्रथम वर्ष के डी के लिए आपको दस हज़ार रुपये पे करना होगा और द्वितीय वर्ष के लिए भी सेम उतना ही फीस आपको पे करना होगा ठीक है तो इस प्रकार आपका बीस हज़ार में जो है डी कार्यक्रम जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा आप लोगों का है ना डी की उपाधि आपको मिल जाएगी और वैसे ही अगर आप व्यापम से करते तो एक साल का आपको लगभग इक्कीस हज़ार रुपये पे करना पड़ता और सेकेंड साल में भी इतना ही पे करना पड़ता मतलब बयालीस हज़ार आपको लगता है ना जो यहाँ पे बीस हज़ार में मतलब उससे आधे में आपका डी एल कार्यक्रम यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए दो वर्ष की होगी आप लोगों को पता है है ना यहाँ पे लिखी गई है दो वर्ष की है ठीक है और तथा अधिकतम चार वर्ष की होगी अर्थात क्या है प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के चार वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा इस बात को यहाँ पे उल्लेखित किया गया है कि अगर आप दो वर्ष में कंप्लीट कर पाते हैं तो और अच्छी बात है अगर आप दो वर्ष में डी का जो कार्यक्रम है पूर्ण नहीं कर पाए तो दो साल आपको और रिक्त मिलेगा इस प्रकार आपको तो टोटल कितना साल मिल गया चार साल मिल गया तो इस चार साल के अंदर में आपको जो है डी को अपना कंप्लीट करना ही होगा ठीक है फिर क्या है निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्रविद विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे ठीक एक सुविधा और आपको मिल गया फ्रेंड्स अगर आप क्या करेंगे चार साल में भी पूर्ण नहीं कर पाए तो आपको फिर से क्या करना होगा आप फिर से पंजीयन करवाएंगे और उसके लिए आप क्या रहेंगे पात्र रहेंगे समझ में आ रहा है? इसमें एक बात और लिखी गई है फ्रेंड्स जो चौबीस सीटों का चौबीस सीटों के लिए जो प्रवेश दिया जाएगा उसमें सभी वर्ग जिसमें अनारक्षित है है ना अनुसूचित जनजाति है अनुसूचित जाति और पिछड़ वर्ग एवं सभी संवर्ग महिला विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक सभी इसमें शामिल रहेंगे ना समझ में आ रहा है अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अगर आप एस सी एस टी या फिर ओ बी सी कैटेगरी के हैं ठीक है और जो क्या बोलते हैं दस प्रतिशत जो अभी आरक्षण मिल रहा है सामान्य कैटेगरी वालों को तो उन लोगों को भी वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ये बात उल्लेखित की गई है इसमें लिखा गया फ्रेंड्स जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी रहेंगे उनको बारह प्रतिशत के हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए बत्तीस परसेंट आरक्षण है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चौदह परसेंट का आरक्षण है ठीक है वर्तमान में जो लागू है उसी के हिसाब से आपको प्रवेश दिया जाएगा इसमें यह लिखा गया है और एक बिंदु हाईलाइटेड है स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे स्वतंत्र संग्राम सैनिक संवर्ग के लिए तीन प्रतिशत इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री पुत्र का पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा मतलब यह है कि जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको तीन परसेंट का आरक्षण इस भर्ती नियम में मतलब इस प्रवेश परीक्षा के लिए मिल पाएगी ठीक है प्रवेश हेतु मिल पाएगी और इसमें एक और बात उल्लिखित की गई है महिला संवर्ग के लिए तीस प्रतिशत की व्यवस्था की गई है ठीक है जो कि हर वर्ग की चयन सूची में समाहित होगा मतलब तीस प्रतिशत महिलाएँ रहेंगी हर वर्ग की चयन सूची में आ रहा है समझ में तो ध्यान रखेगा और इसमें एक बात और है फ्रेंड्स अगर मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है और वो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनके स्थान पर उनके नीचे जिनका भी नाम होगा उस मेरिट लिस्ट में उनको मौका दिया जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात को और बाकी जो है आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा तो ये है ये अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है फ्रेंड्स है ना आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा आप उस टेलीग्राम चैनल में जा के इसको डाउनलोड कर लेंगे ठीक है तो ये वीडियो कैसा लगा अपना फ़ीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ धन्यवाद और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को आप सबके मेहनत से मैं 600 सौ प्लस सब्सक्राइबर में चला गया और मेरे को एक YouTube की तरफ से कम्युनिटी टैब जो सुविधा मिलती है एक फ़ीचर्स है कम्युनिटी टैब का वो फीचर्स मेरे को प्राप्त हो चुके हैं तो आप मैं हर रोज उसमें एक प्रश्न आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन है छत्तीसगढ़ से या फिर कुछ भी प्रश्न आप लोगों के लिए डालूंगा तो आप लोग जाके मेरे चैनल में जाके ठीक है चैनल में जाके उसको आराम से देख सकते हैं और अपना वोट दे सकेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप एक बार उसमें ज़रूर विजिट करिएगा समय रहते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो